हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिफ्थ में जो पांच में रहेगा आपका, उसकी पूरा करंट अफेयर जो रहेगा आज हम उसको फुल डिटेल में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन जो रहेगा उसको कवर करेंगे, साथ ही साथ जो रिविजन रहेगा हमारे पुराने करंट अफेयर का क्वेश्चन का, वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर वीडियो की बात करी जाए तो वीडियो के स्टार्टिंग में लास्ट डे का जो क्विज का क्वेश्चन हमने पूछा था, पहले हम उसको कवर करेंगे। वीडियो की एंड में आपको जो लास्ट डे का करंट अफेयर था, जो फोर्थ मे का करंट अफेयर था, जो सारे क्वेश्चंस थे उनको हम रिवीजन करेंगे। और बिल्कुल एंड में वीडियो के आपको एक क्विज का क्वेश्चन मिलेगा, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आप जो हमारा क्विज का क्वेश्चन है एंड में, आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज के क्वेश्चन से। तो लास्ट डे आपसे क्विज का क्वेश्चन पूछा गया था, हु अमंग वन द स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स के द्वारा लुका ब्रेसिल दिया गया, और यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बेल्जियम जो कंट्री है वहां से ये आपके बिलोंग करते हैं। इसमें रनर अप कौन रहा? तो लुका ब्रेसिल ने मार्क सेल्बी को हरा के इस टाइटल को जीता था। अब यहां से हमारा जो आज का करंट अफेयर है उसकी हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमारे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उड़ीसा स्टेट एक्सटेंड्स इंडिया हॉकी टीम स्पॉन्सरशिप टिल विच ईयर। तो उड़ीसा राज्य ने किस वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम प्रयोजन का विस्तार किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 2033 रहेगा, 2033 तक के लिए बढ़ा दिया गया है इंडिया की हॉकी टीम की स्पॉन्सरशिप उड़ीसा स्टेट के द्वारा। मतलब उड़ीसा स्टेट ही 2023 तक स्पॉन्सर करेगा इंडिया की हॉकी की टीम को। अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए, दी उड़ीसा गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फर्दर एक्सटेंड इट्स स्पॉन्सरशिप फॉर बोथ मैन एंड वुमेन इंटरनेशनल हॉकी टीम। तो मतलब जो पुरुषों का रहेगा और जो महिलाओं का रहेगा इंडिया की हॉकी टीम का, वो सभी स्पॉन्सर किए जाएंगे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा फॉर अनदर 10 ईयर्स। 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, 2023 में खत्म हो रहा था उसको 10 साल के लिए बढ़ा के 2033 तक के लिए कर दिया गया है। अब यहाँ पे उड़ीसा स्टेट की बात हुई है, तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगे नवीन पटनायक। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑल्सो नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया। भुवनेश्वर में आपको काफी सारे टेम्पल मिलेंगे, उड़ीसा में आपको काफी सारे टेम्पल मिलेंगे, तो भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है उड़ीसा स्टेट के। अब उड़ीसा स्टेट जो हमारी रहेगी उसकी एक बार लोकेशन को मैप के थ्रू समझते हैं। तो उड़ीसा स्टेट की अगर बात करी जाए तो आप राइट साइड में देख सकते हैं उड़ीसा स्टेट रहेगी आपकी, ईस्ट स्टेट रहेगी, ईस्टर्न स्टेट है ये इंडिया की। इसकी कैपिटल आप यहां पे भुवनेश्वर देख सकते हैं, ये कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। अगर उड़ीसा स्टेट की बात करी जाए कि उड़ीसा की बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है, तो एक हमारी आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, एक छत्तीसगढ़ के साथ, एक झारखंड के साथ और एक वेस्ट बंगाल के साथ। तो टोटल 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर होती है उड़ीसा स्टेट की। और वाटर बाउंड्री कहाँ से लगती है? तो बे ऑफ बंगाल से वाटर बाउंड्री को शेयर किया जाता है, कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं लगती आपकी उड़ीसा स्टेट की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, उससे पहले जो रिवीजन रहेगा उसको देख लेते हैं करंट अफेयर का। तो एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एजेंट एंड पार्टनर्स। इंडिया की 161 रैंक रही आपकी किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में। पंडित रामकिशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड दी शताब्दी पुरुष, जिसको हम बोलेंगे मैन ऑफ द सेंचुरी। सीबीएसई ने रेडी हो गया है इंट्रोड्यूस करने के लिए एआई और कोडिंग को 6 to 8 क्लास के लिए, क्योंकि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके अनुसार ये जो फैसला है ये लिया गया है। जो नासा ऑर्गेनाइजेशन है इसने एक्सट्रैक्ट करा है ऑक्सीजन फ्रॉम लूनर सॉइल सिम्युलेंट। एमिरेट्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट इन दी वर्ल्ड। साइंटिस्ट रहेंगे आपके प्रोटेक्ट दी एनसीईआरटी डिसीजन टू एलिमिनेट डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आईआईटी कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम को। इसरो का एक रॉकेट रहेगा पीएसएलवी C55 जो कि लॉन्च करने वाला है सिंगापुर का टेलोस 2 सैटेलाइट को, 22 अप्रैल को इसने लॉन्च किया है। केनिया जो कंट्री रहेगी, इन्होंने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिसका नाम है टाइफा 1।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल माइंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो कोयला खनिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th मई, हर साल 4th मई को होता है हमारा कोल माइंस डे। अब अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एवरी ईयर ऑन May 4 कोल माइंस डे इज सेलिब्रेटेड टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड नोट वर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल माइंस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल्स। तो कोल माइनर्स जो होते हैं, जो कोल में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका जो काम होता है उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए जो कोल माइनर्स डे होता है, ये हम हर साल 4 मई को ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ पे डेज की बात करी गई है, तो डेज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पुरानी डेज को अगर हम कवर करें तो अप्रैल से, हम 19 अप्रैल से यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड लीवर डे हमारा 19 अप्रैल को होता है, नेशनल सिविल सर्विसेज डे या फिर सेक्रेटरी डे होता है हमारा 21 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे होता है हमारा 22 अप्रैल को, नेशनल पंचायती डे होता है 24 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे को हम 26 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डांस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अप्रैल को, महाराष्ट्र डे और गुजरात डे, ये दोनों आपकी स्टेट्स फॉर्म हुई थी कब, 1 मई 1960 को, इंटरनेशनल लेबर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 मई को, वर्ल्ड अस्थमा डे जो होता है वो 2023 में हमने 2 मई को ऑब्जर्व किया, क्योंकि ये हर साल फर्स्ट जो ट्यूसडे होता है मई का, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने ऑब्जर्व किया 3 मई को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स रहेंगे। ये सब वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ईबुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ईबुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, और ये एक इंडियन रहेंगे, इंडियन ओरिजिन के रहेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा। अजय बंगा को नया प्रेसिडेंट चुना गया है वर्ल्ड बैंक का। अब यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अजय बंका हु इज ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन ऑफिशियली सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। द 25 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड बैंक इलेक्टेड अजय बंगा हु प्रीवियसली सर्व्ड एज सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड। तो अजय बंगा जो है, इनको नया प्रेसिडेंट चुना गया है वर्ल्ड बैंक का। 25 मेंबर्स की, 25 लोगों की एक मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बोर्ड था वर्ल्ड बैंक का, जिन्होंने चुना है अजय बंगा को प्रेसिडेंट के रूप में। अजय बंगा पहले किस चीज के लिए सर्व कर रहे थे, तो इससे पहले ये सीईओ थे मास्टर कार्ड के। He will hold the position for a period of 5 years starting from 2nd June. तो 2nd जून से यह इनका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा 5 साल के लिए। अगले 5 साल के लिए इनको चुना गया है। तो 5 साल की अगर बात करी जाए तो 2028 2nd जून तक के लिए इनका टाइम पीरियड जो है उसके लिए इनको चुना गया है। अब यहाँ पे रिवीजन देख लेते हैं पुराने करंट अफेयर का। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर रहेंगे इंडिया को, जिनका नाम है बैरी ओ फेरल, हैज अनाउंस्ड इट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर अ प्रोजेक्ट इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो लद्दाख में जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए प्रोजेक्ट ग्रांट किया गया है ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन चुने गए हैं नए LIC के, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। इनसे पहले कौन थे, एम आर कुमार की जगह ली है सिद्धार्थ मोहंती ने। अपरेश कुमार सिंह को नया चीफ जस्टिस चुना गया है त्रिपुरा हाई कोर्ट का। मुरुगेश्वर सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है वारंटी ऑफिसर यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स का। कलिकेश नारायण सिंह को नया प्रेसिडेंट चुना गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। टाटा पावर ने एक बार दोबारा अपॉइंट किया है प्रवीण सिन्हा को मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में। टीवी सोमनाथन हेड चुने गए हैं पैनल ऑन पेंशन स्कीम के।
मनमीत के नंदा अपॉइंट किए गए हैं एमडी और सीईओ इन्वेस्ट इंडिया के। अनूप बागची रहेंगे जो कि एमडी और सीईओ चुने गए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के। जी कृष्ण कुमार को अपॉइंट किया गया है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन। तो ये आपका कुछ रिवीजन रहेगा पुराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग दी फॉलोइंग एथलीट बिकम दी हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 बाय फोर्ब्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट फोर्ब्स द्वारा 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एथलीट बन गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो रहेगा। फुटबॉल के प्लेयर रहेंगे ये, आपके एथलीट रहेंगे हाईएस्ट पेड 2023 के। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी जाए तो दुनिया के जो 10 हाईएस्ट पेड एथलीट हैं उनकी अगर सबकी हम अर्निंग मिला दें तो वो आपकी बैठ रही है करीब करीब $1.11 बिलियन की, जो कि आपकी लास्ट 12 मंथ की रहेगी और ये हाईएस्ट है अभी तक की। अभी तक जो टॉप 10 हमारे एथलीट्स होते थे उनकी 1.11 बिलियन से कम रहती थी, तो ये हाईएस्ट इस बार देखी गई है, जिसमें पहले नंबर पर आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो $136 मिलियन की कमाई के साथ। लियोनल मेसी रहे हैं आपके $130 मिलियन के कमाई के साथ सेकेंड नंबर पे, और काइलियन मेवापे रहे हैं आपके $120 मिलियन के साथ थर्ड नंबर पे। तीनों आपके फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पे रिवीजन कवर कर लेते हैं हमारा। तो आपके तीन लोग रहेंगे आपके ईरान से, ईरान जो कंट्री है हमारी, वहाँ के तीन आपके जर्नलिस्ट रहेंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में जेल में है, जो कि आपके रहेंगे निलुफर हमेदी, एलीह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी। इन तीनों को यूनाइटेड नेशन का जो हाईएस्ट ऑनर है वो मिला है, क्योंकि इन्होंने जो अपना जर्नलिज्म में जो काम किया है वो अच्छा काम किया है, उस वजह से इनको इस अवार्ड से ऑनर किया गया है। वुमेन्स के और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने अच्छा काम किया है ईरान कंट्री में। लुका ब्रुसेल को जीता गया है इनके द्वारा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल। एक बुक रहेगी जिसका नाम रहेगा मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, इसको लिखा है अमिताभ कांत ने। अमिताभ कांत कौन रहेंगे? तो फॉर्मर सीईओ रहेंगे आपके नीति आयोग के, जिन्होंने 2016 से 2022 तक अपने पद को संभाला था। नीली बंदबुद्धि रहेंगी, इज सेट टू रिसीव दी इमाइग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड। चेन्नई की मेट्रो रेल लिमिटेड रहेगी जिसने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जीता है 2023 का। रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का जो हाईएस्ट ऑनर है जो कि रहेगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उससे सम्मानित किया गया है। सोनम वांगचुक रहेंगी जिनको प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। आशा भोसले को सम्मानित किया गया है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से। एंजेला मार्कल जो कि फॉर्मर क्या रहेंगी, चांसलर थी आपकी जर्मनी कंट्री की, उनको जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है, उससे सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हु विल रिसीव द ऑनरी पाल्म डियोर एट कैनिस। तो कैनिस जो है कांस में मानद आपके रहेंगे पाल्म डियोर किसको प्राप्त होगा, तो किसको दिया जा रहा है ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा माइकल डॉगलस को सम्मानित किया जाएगा आपका हॉनररी पाल्म डियोर ऑनर से, कहां पे? कैनिस में। अगर बात करी जाए कैनिस फिल्म फेस्टिवल जो रहेगा उसमें सम्मानित किया जाएगा माइकल डॉगलस को हॉनररी पाल्म डियोर अवार्ड से, उनकी आउटस्टैंडिंग करियर की वजह से और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सिनेमा में, जो सिनेमा में उनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। तो किस राज्य सरकार ने ताड़ी निकालने वालों के लिए बीमा योजना लागू की है? तो जो ताड़ी होता है उसको बोलते हैं हम टॉडी टैपर्स, ताड़ी हो जाएगा, जो ताड़ी है हमारा ये होता है टॉडी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो हमारी स्टेट रहेगी वहां की गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस स्कीम को निकाला है टॉडी टैपर्स के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा ये जो नई इंश्योरेंस स्कीम है इसको टॉडी टैपर्स के लिए निकाला गया है, जिसका नाम रखा गया है गीता करमकुला बीमा। और ये जो स्कीम रहेगी सिमिलर रहेगी आपकी रूथ बीमा से, जो कि आपका प्रोग्राम था फार्मर्स के लिए।
और ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट, जो फैमिली रहेगी टोनी टैपर्स की, जो ताड़ी निकालने वाले लोग हैं उनकी जो फैमिली है, जो जिनकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में, जो टोनी है, जो ताड़ी है उसको निकालते वक्त पाम ट्री से, तो उसकी जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनकी फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मंथली इंसेंटिव ऑफ ₹1500 फॉर वुमेन ऑफ स्पीति। तो किस राज्य कैबिनेट ने स्पीति की महिलाओं के लिए ₹1500 के मासिक प्रोत्साहन को मंजूरी दी है? तो आप सबको बताइए कि स्पीति कहाँ पे होगा। तो यहाँ तो आपका क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में आपकी एक जगह हो जाएगी स्पीति वैली। तो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा, जो कि लीडरशिप कौन सी, चीफ मिनिस्टर के अंडर सुखविंदर सुक्खू, इन्होंने अनाउंस किया है मंथली इंसेंटिव को ₹1500 कहाँ की महिलाओं के लिए, तो स्पीति वैली की महिलाओं के लिए। और ये इनिशिएटिव जो है इसको इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शबनम इस्माइल द फास्टेस्ट बॉलर इन वुमेन्स क्रिकेट हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो महिला क्रिकेट की सबसे तेज गेंदबाज शबनम इस्माइल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका की बॉलर रहेंगी शबनम इस्माइल, जो कि फास्टेस्ट बॉलर है आपकी दुनिया की महिला में। अगर यहां पे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रशिया का साइबर बैंक लॉन्चेस एआई टू कम्पीट विद चैट जीपीटी नेम्ड। तो रूस के जो साइबर बैंक ने चैट जीपीटी नाम के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एआई लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम है? तो जो आप सबको पता है कि चैट जीपीटी जो है ये एक एआई प्लेटफॉर्म रहेगा, उसी के कम्पीट करने के लिए, उसी के अगेंस्ट में जो रशिया का साइबर बैंक है उसने भी एक एआई को लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है गीगा चैट। अगर रशिया की बात करी जाए तो साइबर बैंक ने डेवलप किया है एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है गीगा चैट, जो कि कम्पीट करेगा आपका चैट जीपीटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चैट बॉट रेस में। और ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपका रन कर रहा है जो गीगा चैट है, ये अभी लोगों के लिए पूरी तरीके से यूज में नहीं आया है, अभी प्रेजेंट टाइम में ये आपका रनिंग में चल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इज रैंक्ड द मोस्ट इनोवेटिव स्टेट इन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे में किस राज्य को सबसे इनोवेटिव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। अ सर्वे ऑन द डिग्री ऑफ इनोवेशन अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है उनके बीच में एक सर्वे हुआ है जिसमें पता लगाया गया है कि जो कर्नाटका है वो ओवरऑल सबसे ज्यादा इनोवेटिव स्टेट है हमारी इंडिया की, जिसके बाद दूसरे नंबर पे तेलंगाना रहेगी और तीसरे नंबर पे हमारी तमिलनाडु स्टेट आती है। अब यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए करंट अफेयर के। रिवीजन जो रहेगा कल का, जो पिछले दिन का रिवीजन है उसको एक बार देख लेते हैं। तो पिछले दिन का रिवीजन है हमारा, विच बैंक लॉन्चेस डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर इट्स एजेंट एंड पार्टनर। तो ये रहेगा हमारा HDFC बैंक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल होता है 3 मई को। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर टू इंडिया बैरी ओ फेरल हैज अनाउंस्ड इट्स गवर्नमेंट ग्रांट फॉर अ प्रोजेक्ट इन विच सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने गवर्नमेंट ग्रांट की अनाउंसमेंट करी है, जो हमारी कारगिल जगह रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रहेगा लद्दाख में उसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग वन द स्नूकर वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल। तो वो लुका ब्रेसल जो है इनके द्वारा जीता गया है, जो कि आपके बेल्जियम कंट्री से बिलोंग करते हैं। 3 इम्प्रेजेंट ईरानी फीमेल जर्नलिस्ट विन टॉप UN प्राइज आर नेम्ड। तो निलोफर हमेदी, इलेहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों को क्या मिला है? यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट ऑनर मिला है। पंडित रामकिशन वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ शताब्दी पुरुष, यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी इन न्यू दिल्ली फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ। तो ये क्या रहेंगे? ये आपके सोशलिस्ट लीडर रहेंगे, जो कि हमारे क्या है, फॉर्मर MP आपके हो जाएंगे।
अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सीबीएसई रेडी टू इंट्रोड्यूस एआई एंड कोडिंग फ्रॉम क्लासेस डैश। तो सिक्स से एट्थ क्लास के लिए सीबीएसई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एआई और कोडिंग को। कौन सी हमारी जो नेशनल हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंडर। अब बुक टाइटल्ड मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस इज रिटन बाय, तो ये अमिताभ कांत के द्वारा लिखी गई है जो कि क्या है फॉर्मर हमारे नीति आयोग के आपके सीईओ रह के। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, तो 2023 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक रही इंडिया की, जिसमें पहले नंबर पर रहा नॉर्वे और लास्ट रैंक रही है आपकी नॉर्थ कोरिया कंट्री की। अब यहाँ पे आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स को बाय करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। और ये जो हमारी वीडियोज है इनकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि रहेगा HVS स्टडीज ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।